काम करता आदमी लिया जरूरत ही मारियो मेरी आंख फोड़ दी मेरी कमर के पोटी इसलिए मैं हो जा रहे कह रहा से टेज भेज और मेरे पैसा भी निकाल ली मेरे पर्स से। भाजपा को ये क्या हो गया, आपस में ही जूता बजा रहे कार्यकर्ता, कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस मार रही है, कहीं नेता और कार्यकर्ता आपस में ही गोलीबाजी कर रहे हैं। इन हरकतों से 2024 के चुनाव में मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा? सबसे अनुशासित पार्टी का दम भरने वाली भाजपा में नेताओं और कार्यकर्ताओं की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपस में ही जूता बजा रहे कार्यकर्ता तो कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस मार रही है, कहीं नेता और कार्यकर्ता आपस में ही गोलीबाजी कर रहे हैं। इन हरकतों से 2024 के चुनाव में मतदाताओं को क्या संदेश जाएगा? आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा में हर लोकसभा में गौरवशाली रैली का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के गदपुरी में गौरवशाली रैली में मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लेखराम भारद्वाज के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की बात सामने आ रही है। अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे लेखराम भारद्वाज नामक इस व्यक्ति ने मंच पर बैठने का प्रयास किया, उसी दौरान पुलिस इसे वहां से उठाकर ले गई और इसकी पिटाई की। इस व्यक्ति के अनुसार यह 50 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसने बताया कि हर कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंच पर जगह मिलती है, लेकिन यहां पिटाई मिली और कपड़े फाड़ दिए गए। हाल ही में बिहार में भी गौरवशाली रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई और गोलियां भी चली। रायपुर में भी जमीनी विवाद में भाजपा के दो नेता आपस में भिड़ गए। इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खूब गाली गलौज देखी जा सकती है। आए दिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की पिटाई के वीडियो सामने आ रहे हैं। पता नहीं क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपस में ही सर फोड़ रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में पार्टी इन झगड़ों को निपटाएगी या चुनाव की तैयारी करेगी? आप ही जूता बजाने वाले कार्यकर्ता और नेताओं की वजह से जनता में क्या मैसेज डिलीवर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। काम करता आदमी लिया जरूरत ही मारियो मेरी आंख फोड़ दी मेरी कमर के पोटी इसलिए मारा है आपको मैं हो जा रहे कह रहा से टेज भेज और मेरे पैसा भी निकाल ली मेरे पर्स पैसा भी खत्म निकाल लिया। किसने मारा है आपको? ये भैया ये सब ये कौन है? ये पुलिस वाले हैं जी। तो किस लिए बोले पुलिस वाले हैं जी? पुलिस वाले हैं देख लिया मेरी हालत। आप बीजेपी में हो? हाँ बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ। साइड में तो हो जाओ आप। नाम क्या तुम्हारा? जी लेखराम भारद्वाज, मेरी दुर्गति करी आज 50 साल में। साइड में तो आ जाओ, हट जाओ।